हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और अब आशीष राठी। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गाइस स्टेप आउट ड्रिल्स, स्टेप आउट की टेक्निक, सबसे पहले बेसिक टेक्निक और उसके कुछ ड्रिल्स। ड्रिल्स बहुत अभी बेसिक लेवल के हैं, धीरे धीरे इसमें बड़े लेवल के भी ड्रिल्स आते हैं, थोड़े से एडवांस ड्रिल्स आते हैं, पर आज स्टार्ट करेंगे बेसिक ड्रिल्स के साथ। और ड्रिल्स कब करेंगे, जब आपको पता रहना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। स्टेप आउट में सबसे पहले बेसिक टेक्निक क्या है और स्टेप आउट क्यों करते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा इसकी, क्यों करते हैं, क्यों बहुत ज़रूरी है। पर्पस, हार्डवर्क सभी करते हैं, मेहनत सब करते हैं, पर पर्पस, विदाउट पर्पस करते हैं तो जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होती। और आप पर्पस के साथ हार्डवर्क करेंगे, हमेशा अपने आप को पूछेंगे कि क्यों कर रहा हूँ, तो आपका इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले स्टेप आउट क्यों ज़रूरी है, स्टेप आउट स्पिनर्स के खिलाफ स्पिन जो टप्पा, जब स्पिन होता है टप्पा गिनना घिरते रहता है, तो वहाँ पहुँच के अगर मार दे रहे तो आप उसकी स्पिन ख़त्म कर दे रहे हैं और आपको सिक्स सीटिंग में पावर जनरेट करने में काफ़ी कुछ मदद होंगी। आप जो अच्छा बॉल है उसको सिंगल के लिए कन्वर्ट कर दोगे, जैसे अगर प्रॉपर डिफेंस का बॉल है उसको आपने स्टेप आउट करके मिड ऑफ मिड ऑन पे खेल दिया तो वो सिंगल कन्वर्ट हो गया, स्ट्राइक रोटेट हो गई। तो स्ट्राइक रोटेट का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं डोमिनेटिंग की बात करता हूँ, डोमिनेटिंग हमेशा छक्के मारना ही नहीं होता है, डोमिनेटिंग अच्छा खेलना होता है, 100% अपने मेरिट पे खेलना होता है, अपना कमांडिंग खेलना होता है। तो अगर वो लेफ्ट का बॉल है अच्छा, तो लेफ्ट करना भी एक तरह से डोमिनेटिंग का ही हिस्सा है, डोमिनेंस का ही हिस्सा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डोमिनेटिंग डजंट मीन कि यू कैन हिट सिक्सेस इन एवरी डायरेक्शन, हमेशा सिक्स ही मारते रह रहे, डोमिनेटिंग चेंजेस होते रहते हैं। तो ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा बेसिक टेक्निक स्टेप आउट की। तो आइए चले देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कौन है, मेरे पास छोटे कौन रखे हैं कम साइज वाले, और इसको मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने में कि आप स्टेप आउट कैसे कीजिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है स्टेप आउट में। तो जैसे एक मैंने मिडल स्टंप पे रखा, एक मैंने थोड़ा सा कवर के डायरेक्शन में रखा और एक मिड विकेट के डायरेक्शन में रखा, ऐसे तीन डायरेक्शन में मैंने कौन रखे, और ये जो है ये, और एक कौन रखा है बीच में, और मैं अभी रबर के बॉल लेने वाला हूँ और कोन के ऊपर रखने वाला हूँ रबर के बॉल। ठीक है, अब जैसे ये मैंने कोन रखे, अब ये अपन समझते हैं थोड़ा सा डिफेंस का बॉल है, ये डिफेंस का बॉल है, थोड़ा सा खींच के है, ये अपने को स्टेप आउट होना है। तो डिफेंस के बॉल को थोड़ा सा, जो बॉल फ्लाइट करता है, ऐसा नहीं है कि फ्लाइटेड बॉल को, कोई भी बॉल को हो सकते हैं, तो उसकी लेंथ लाइन लेंथ वगैरह वो जज करना, उसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, वो स्पेसिफिक वीडियो रहेगा। बहुत सारे वीडियोस बनते हैं गाइस, एकदम से हर चीज़ एक वीडियो में नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले आप भी बेसिक टेक्निक पर बात करते हैं। अब मैं ये बैटिंग कर रहा हूँ, ये मैंने स्टांस ले लिया, ठीक है, ये मेरा स्टांस है। ये कौन क्यों रखा है, आप क्वेश्चन का सोच रहे होंगे कि ये कौन क्यों रखा है, तो मेरे को इस पे सर आना चाहिए, ये कौन पे मेरा सर आना चाहिए। ये कौन का डिस्टेंस देख लीजिए आप, कि अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो समझ लो तीन पैरों का डिस्टेंस है, इस पे मेरा सर आना चाहिए। और ये मेरा जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप हमेशा छोटा रहने को ना, छोटा क्यों रहने को ना, अब मुझे आप सोच रहे होंगे छोटा क्यों, अरे बॉल दूर है तो लंबा पैर निकालना चाहिए, तो इसका रीज़न है। अब जैसे मैंने अगर लंबा पैर निकाल दिया, ठीक है, तो ये बॉल को मैं स्लॉक कर सकता, यहाँ अगर पैर निकाला, तो समझ लो यहाँ पैर निकाला तो ये बॉल को स्लॉक कर सकता हूँ, और यहाँ पैर निकाला तो ये बॉल को स्लॉक कर सकता हूँ लंबा पैर निकाला, तो बस स्टेप आउट नहीं कर सकता। अब समझ लो ये पैर निकाला, मेरा सर कहाँ रह गया, बीच में सर आ गया, ठीक है, वो बॉल उधर है, तो इसको मैं स्लॉक ज़रूर कर सकता हूँ, पर टॉप ऑफ द बॉल स्टेप आउट नहीं कर सकता, आगे नहीं निकल सकता और मैं ब्लॉक हो जाऊँगा। आप जैसे देखते, अब मैं ये इधर से इधर कैसे जाऊँगा, ब्लॉक हो गया ना मैं,
आपको स्टेप आउट करना है तो आपको ब्लॉक नहीं होना है, और जब जब आप पहले से लंबा पैर निकाल लेते हो तो आप ब्लॉक हो सकते हो, ब्लॉक हो जाते हो, ठीक है। बॉल अगर हवा में ड्रिफ्ट हुआ, स्पिनर का ड्रिफ्ट हुआ, तो आपको आपको हमेशा ब्लॉक नहीं होना है, आपको मूवमेंट चाहिए। आपने बहुत बार वीडियोस में देखा होगा, मुझे एक रोहित शर्मा का वीडियो याद है कि वो पहले स्टेप आउट हो गए थे, पर उनका स्टेप आउट का टेक्निक इतना अच्छा था कि बॉल उन कृष्णपा गौतम शायद बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे और बॉल लेफ्ट साइड के बाहर डाला था, तो उन्होंने पैर से ऐसा मार दिया था। LBW के तो चांसेस नहीं है क्योंकि लेग स्टंप के बाहर पिचिंग है, मतलब आप स्टंपिंग से बच गए। और बहुत जन बहुत प्यारे स्टेप आउट करते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो बहुत उनकी टेक्निक बहुत सही है। टेक्निक पे ये ध्यान रखिए कि अब मेरा पहला स्टेप कम हुआ, ठीक है, पहला स्टेप कम हुआ, बैकलिफ्ट सीधी छ, अभी भी ऐसा नहीं किया, जो ये जो शोल्डर है ये मिडल पे ही है, पहले इसमें ये ऐसा नहीं होने को ना कि पहले से ये शोल्डर ये साइड हो गया या शोल्डर ये साइड हो गया, नहीं, किधर भी बॉल है पहला स्टेप आउट सीधा बॉलर के तरफ, हमेशा ध्यान रखना बॉलर के तरफ स्टेप आउट करना है, और हल्का सा पैर निकालना है, सर आगे रहना चाहिए पैर से, ये स्टेप आउट का पहला रूल है। और अब जैसे ये सर यहाँ रहा तो मैं यहाँ भी खेल सकता हूँ और यहाँ भी खेल सकता हूँ। अब इसमें क्या है, मैं हमेशा साइड ऑन पोजीशन में था, साइड ऑन पोजीशन में, और जब मारने जाऊँगा तब समझ लो आप डीप मिड विकेट मार रहा हो तो मेरे को बैट बाहर से आने को होना, सीधा मार रहा हो तो बैट स्ट्रेट आने को होना, और ये इधर से मार रहा हो तो बैट अंदर से आने को ना, ये बाद में होगा, ठीक है। पहले से आपका ना बैट अंदर जाएगा ना यहाँ आएगा, या पहले से बॉटम हैंड भी टाइट नहीं होगा आपका, आपको बॉटम हैंड भी हल्का रखना है। तो ये नॉर्मल अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कैमरा मैन आप पीछे हो जाइए, हल्का सा बस थोड़ा सीधा ही रहिए, हाँ। अब ये सेकंड जैसे अब ये मैंने पहला स्टेप किया, सर मेरा आगे है, ठीक है, इस पे सर है, और अब मैं ये साइड भी खेल सकता हूँ। और बाय चांस कभी भी बॉलर ने अगर गलती से, वैसे तो पहले स्टेप आउट होना ही नहीं है, बॉल छूटने के बाद ही स्टेप आउट होना है, पर आपको समझ लो कभी कभी हो जाता है कि आप पहले स्टेप आउट होते हो, जहाँ आपकी टेक्निक अच्छी है आप पहले भी स्टेप आउट हो गए तो आपके पास दूसरा चांस रहता है कि वो बॉल को छक्के में कन्वर्ट कर सकते हैं, चौके में, सिंगल में, या सबसे इम्पोर्टेंट वो बॉल पे आउट नहीं होते, आपको कोई खींच के डाल दे तो वो आउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप पहले भी स्टेप आउट हुए और टेक्निक अच्छी है, और समझ लो यहाँ के बजाय बॉल उसने वहाँ डाल दिया, तो आपके पास स्टिल चांस है कि आप रुक के उसको मार सकते हो, सिंगल के लिए खेल सकते हो, या तो ब्लॉक कर सकते हो। अब समझ लो इधर डाल दिया झट से और पीछे डाल दिया, तो झट से ये अगर मेरा पैर का पोजीशन सही है सर सामने, तो झट से यहाँ ऐसे जाके ब्लॉक कर दिया बॉल को, कीपर की तरफ नहीं जान दिया, स्टंपिंग से बच गई। ये बहुत ज़रूरी है गाइस, और ये टेक्निक अगर अच्छी रही तो आपको फ़ायदा समझ में ही आ जाएगा कि आप कितने एफर्टलेस खेल सकते हो स्पिनर को। तो अब भी बेसिक वीडियो है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ मैं गाइस, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप यहाँ आके ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ सकते हैं, मैंने एकेडमी भी खोल दी है तो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब एक बार करके दिखाता हूँ मैं बेसिक, और अभी मैं हवा में नहीं मारने वाला हूँ, नीचे से मारने वाला हूँ स्टार्टिंग में। ये मिड ऑफ की तरफ सिंगल, मिड ऑन की तरफ, कवर्स की तरफ। अब इसमें क्या ध्यान रखा गया इसकी, मेरा पीछे का कोन हिला नहीं, अगर मेरा ओपन हो जाता था और ये तो ये पैर से लग के ये कोन हल जाता था, मेरी पोजीशन एकदम टेक्निकली करेक्ट थी, साइड ऑन थी, तो इसलिए ये पीछे के कोन को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है, ये ड्रिल्स जब करेंगे आप तो कोन ये ध्यान रखना है कि पीछे का जो कोन है, जो आप अपन ने सर के लिए लगाया है, तो वो हिलना नहीं चाहिए। आपके हाइट के अनुसार आप वो कोन एडजस्ट कीजिए, आपकी लाइन और लेंथ जो है, आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, अगर आप स्टेप आउट कर रहे हैं तो ये साइड का बॉल तकलीफ हो रहा है, ये साइड का बॉल तकलीफ हो रहा है, सामने का बॉल तकलीफ हो रहा है, तो इस हिसाब से कोन्स रखे गाइस। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का मिड विकेट रीजन वीक रहता है, किसी का कवर्स रीजन वीक रहता है, तो ये अगर ड्रिल्स करेंगे या हेड पोजिशन पर भी वर्क हो रहा है
ट्रांसफर ऑफ वेट पे भी वर्क हो रहा है। जब आप ट्रांसफर ऑफ वेट से, जैसे ये पहला पहला स्टेप ये बॉल्स ऑफ द फीट पे, ये बॉल्स ऑफ द फीट पे, और फिर दूसरा ये ऐसा ही रहेगा गाइस, ये जो आएगा ये घुटना सीधा है, ये पहला हील पे गिरा और ट्रांसफर ऑफ वेट ये नी के थ्रू बॉडी के थ्रू आगे आएगा। तो इसमें ये भी ड्रिल्स कर सकते हैं, एक ड्रिल ये भी कर सकते हैं स्टेप आउट में कि आप ट्रांसफर ऑफ वेट अगर आपका नहीं हो रहा है तो ये छक्के में भी फ़ायदा होगा आपको। एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए अब ये सीधा बॉल है तो ये करके दिखाता हूँ मैं, ये मैंने पैर पे स्टेप आउट हो रहा हूँ तो ये ट्रांसफर ऑफ वेट अच्छे से हो रहा है, बॉल सीधा जा रहा है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने एक लाइन है स्टंप की लाइन है तो वो अगर बना के रखी है तो सामने का जो स्टंप है उसको अगर सीधा बॉल हिट हो रहा है तो आपका डाउन स्विंग भी करेक्ट आ रहा है, हेड पोजीशन भी करेक्ट है और ट्रांसफर ऑफ वेट जंप से भी प्रॉपर बॉल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ करेक्ट है। इसका आपको फ़ायदा जब आप सिक्स सीटिंग करोगे ना गाइस तब मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने अच्छे छक्के लग कैसे रहे। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी इसका फ़ायदा हो सकता है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्यार देते रहिए। गाइस आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे रेगुलर बेसिस पे, मैं दिल से वीडियो बना रहा हूँ एक्टिव क्रिकेटर रहने के बावजूद भी, बहुत दिल से वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए बहुत कम समय दे पाता हूँ, पर आप जितना प्यार दे रहे हैं इस वजह से मैं रेगुलरली वीडियो बना पा रहा हूँ। जो भी आपको लगता है कि वीडियोस बनाने चाहिए कमेंट बॉक्स में डालिए गाइस, और फिलहाल के लिए चलता हूँ, टिल द नेक्स्ट टाइम लव यू ऑल।